हाईवे पर कंटेनर ने पीछे से घुसी बस, एक दर्जन यात्री घायल। बस की तेज रफ्तार बनी हादसे का कारण। फोर लेन हाईवे पर खटकाया चौराहे ओवरब्रिज पर बीती रात एक तेज रफ्तार बस कंटेनर में पीछे से जा घुसी। इस हादसे में एक दर्जन के करीब यात्री घायल हुए हैं, जिन्हें पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। हादसे की वजह बस चालक की लापरवाही और तेज रफ्तार बताई जा रही है। जिला अस्पताल में भर्ती बस में परिवार सहित मथुरा से उज्जैन की यात्रा करने वाले मुकेश चौधरी ने बताया कि वह बस से परिवार के साथ उज्जैन जा रहे थे। खटकाया ओवरब्रिज पर बस ने पीछे से कंटेनर में टक्कर मारी। तेज धमाके की आवाज से सभी यात्री उठ खड़े हुए। इमरजेंसी विंडो से बाहर यात्री निकले। पुलिस ने गंभीर घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। वहीं हल्के फुल्के चोट वाले लोगों को दूसरी बस से आगे रवाना किया गया। मुकेश चौधरी ने बताया कि हादसे के पीछे बस चालक की गलती है। काफी तेज रफ्तार में बस चल रही थी। उन्होंने बताया कि ढाबे पर बस रुकी थी, तब उन्होंने बस स्टाफ के पास शराब की बोतल भी देखी थी। घायलों में चार पांच लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। क्या हुआ है? जी भैया, मैं मथुरा से उज्जैन दर्शन करने जा रहा था अपने परिवार के साथ। रात को लगभग 3:20 पर जोर से आवाज आई बस की, किसी से टकराने की। तो मैंने अपने कैबिन से बाहर निकल के देखा तो बस ने किसी कंटेनर को ठोका पीछे से। तो इमरजेंसी गेट को तोड़कर सभी सवारियां बाहर निकली। जिनको कम चोटें थी उनको पुलिस ने जहाँ जाना था अन्य बसों को रुकाकर उन बसों से भेज दिया। जिनको सीरियस थोड़ी चोटें थी उनको यहाँ पर भर्ती पुलिस ने करवाया। ये बस कहाँ से चली और कहाँ जा रही थी? जी, बालाजी ट्रेवल्स की बस थी। मैंने मथुरा से ही चली थी और मैंने उज्जैन तक की टिकट कराई थी। तो उज्जैन तक की तो मुझे जानकारी है कि उज्जैन तक जा रही थी। लगभग कितनी सवारी होंगी इसमें? मेरा अंदाजा लगभग 40 के आसपास पैसेंजर्स थे उस गाड़ी में। कोई घटना स्थल पर कैजुअलिटी वगैरह कुछ? कैजुअलिटी मैं समझता हूँ यहाँ पर लगभग 12 लोग इस समय एडमिटेड हैं, जिनमें से 4-5 लोगों को गंभीर चोटें हैं और बाकी अंदरूनी चोटें हैं। बाकी तो निरीक्षण के बाद ही पता चल पाएगा किसको कितनी चोटें लगी हैं। क्या ड्राइवर ने कोई नशीला? देखिए, क्योंकि मैं सोया हुआ नहीं था तो मुझे ये अंदाजा हो रहा था कि बस बहुत तेज चल रही थी नॉर्मल स्पीड से। ग्वालियर तक जो ड्राइवर चला के आए थे उस समय 70-80 की स्पीड रही होगी, पर इस समय मैं समझता हूँ 120 की स्पीड होगी। और बाकी अगर कोई नशा वगैरह ड्राइवर ने किया वो तो जाँच के बाद से ही पता चल सकता है, पर मेरा ऐसा अंदाजा है क्योंकि मैंने ग्वालियर के आसपास इन लोगों के पास एक शराब की बोतल देखी थी जब ये बाहर ढाबे पर खाना खाने उतरे थे। तो हो सकता है इन्होंने नशा कर रखा हो, पर गलती बस के ड्राइवर की। ये कहाँ पे एक्सीडेंट हुआ? ये खटकनिया करके कोई फ्लाईओवर था, खटकिया फ्लाईओवर, वहाँ पर ये एक्सीडेंट हुआ था। क्या सुन नाम है आपका? जी, मेरा नाम मुकेश कुमार चौधरी है। गुना विजयदशमी पर विधायक ने किया शस्त्र पूजन। कलेक्टर एसपी ने जिलेवासियों को दी शुभकामनाएं। पुलिस वाहनों की उतारी आरती। विजयदशमी के अवसर पर पुलिस लाइन में शस्त्र पूजन किया गया। विधायक पन्नालाल शाह के कलेक्टर डॉक्टर सत्येंद्र सिंह और एसपी संजीव सिन्हा ने पूजन अर्चन किया। पारंपरिक रीति रिवाज और विधि विधान से शस्त्रों की पूजा की गई। प्रतीक स्वरूप तलवार के तुमड़े की बलि दी गई है। विजयदशमी पर पुलिस विभाग में शस्त्र पूजन करने की परंपरा रही है। इसी कड़ी में पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस लाइन में हुए कार्यक्रम में पूरी विधि विधान और नियमों के अनुसार शस्त्रों और पुलिस के वाहनों का पूजन किया गया। साथ ही जिले की खुशहाली और उन्नति के लिए हवन का आयोजन भी किया गया। पहली बार जनप्रतिनिधि हुए शामिल। बता दें कि पहला मौका है जब पुलिस लाइन में हुए शस्त्र पूजन में जनप्रतिनिधि शामिल हुए हैं। सरकार ने इस बार कहा था कि सभी जिलों के प्रभारी मंत्री, सांसद, विधायक और शस्त्र पूजन में शामिल होंगे। हालांकि प्रभारी मंत्री आज इस कार्यक्रम में शामिल नहीं हुए। गुना विधायक पन्नालाल शाह के मुख्य आतिथ्य में कार्यक्रम हुआ। जिलेवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। शस्त्र पूजन और हवन कार्यक्रम की समाप्ति के बाद आरती उतारी गई। इसके बाद वाहनों की पूजा की गई। पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित सभी अधिकारियों कर्मचारियों के साथ समस्त जिलेवासियों को दशहरा पर्व की शुभकामनाएं दी। पुलिस लाइन में आयोजित दशहरा पूजन कार्यक्रम में एएसपी मान सिंह ठाकुर, एसडीएम शिवानी पांडे, प्रभारी सीएसपी भरत नोटिया, एसडीओपी युवराज सिंह, विवेक अष्टाना, दीपा डुडवे, दिव्या राजेवा, तहसीलदार शहरी गौरीशंकर बेरबा, आरआई पूजा उपाध्याय सहित थाना प्रभारी और पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दशहरे के उपलक्ष्य में जनप्रतिनिधियों को शामिल करने का आदेश हुआ था। उसी उपलक्ष्य में हमारे माननीय विधायक जी और माननीय कलेक्टर साहब, माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय एवं हमारे समस्त राज्य अधिकारी एवं आरआई साहब के
सौजन्य से पुलिस लाइन में सत्रागार में आज सत्रों का पूजन का आयोजन किया गया, जो अच्छा कार्यक्रम रहा है। दशहरे की सभी को आज दिनांक शासन की तरफ से सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाना था दशहरे का, जिसमें हमारी माननीय विधायक जी और माननीय कलेक्टर साहब, पुलिस अधीक्षक महोदय की उपस्थिति में आज शस्त्रागारों, शस्त्रों का और वाहनों का पूजन किया गया है, जिसमें सभी शहर के गणमान्य अधिकारी, प्रशासन, पुलिस ने इकट्ठे होकर ही शस्त्र पूजन किया है। और मेरी तरफ से, मेरी सभी पुलिस की तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। गुना में नवमी के बाद दशहरे पर माता रानी का भाव विसर्जन, भक्तों ने दी भावभीनी विदाई। नवरात्रि के समापन के साथ ही माता रानी की प्रतिमाओं के विसर्जन का पवित्र सिलसिला भी शुरू हो गया है। नवमी के अगले दिन यानी दशहरे पर पूरे गुना जिले में भक्तों ने धूमधाम से श्रद्धा के साथ माता रानी की विदाई दी। विसर्जन की शुरुआत बीती शाम से ही होगी और देर रात तक चलती रही। शहर के प्रमुख झांकियों और प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए सिंहवासा तालाब ले जाया गया। इसके साथ ही सिंध नदी, बजरंगगढ़ नदी और आसपास के अन्य तालाबों पर भक्तों ने माता की प्रतिमाओं का विसर्जन किया। आज सुबह से ही विसर्जन का सिलसिला तेज हो गया, दिन भर भक्तों का आना जाना लगा रहा। लूनी माता की प्रतिमाओं को फूलों और भक्तिमय नारों के साथ तालाबों तक पहुंचाया और भावभीनी विदाई दी। विसर्जन के दौरान पूरे शहर में भक्ति का माहौल हो गया। भक्तजन माता के जयकारे लगाते हुए झांकी को सिंहवासा तालाब लेकर गए। झांकियों को सजाने और माता रानी को विदाई देने के लिए इस अनुष्ठान में भक्तों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक प्रबंधों के तहत पुलिस बल की तैनाती की गई, ताकि विसर्जन कार्यक्रम शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो सके। नगर पालिका और अन्य संबंधित विभागों ने तालाबों और नदियों के आसपास सफाई और अन्य सुविधाओं का प्रबंध किया था, जिसे विसर्जन के दौरान किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। नशा मुक्ति का संदेश देने गायत्री परिवार ने निकाली रैली। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, मतीरा, इनसे होता है मौत का खतरा, ऐसे अनेक स्लोगनों को तख्ती पर लिए गायत्री परिवार द्वारा आज शहर में नशा मुक्ति का संदेश देने रैली निकाली गई। विश्व तंबाकू निषेध दिवस के मौके पर अखिल विश्व गायत्री परिवार शांति कुंज हरिद्वार के आह्वान पर आज देश भर में रैली निकाली गई। जिला मुख्यालय पर भी गायत्री परिवार द्वारा नशा मुक्ति रैली का आयोजन किया गया। गायत्री परिवार के पदाधिकारियों ने कहा कि आज विजयादशमी पर्व है, अर्थात असुरी शक्तियों पर विजय का पर्व। नशा भी एक तरह से असुर शक्ति है, हमें समाज से इसे को खत्म करना होगा। नशा मुक्ति का संदेश देने गायत्री परिवार ने मंदिर से रैली निकाली, जो हनुमान चौराहा, हाट रोड, बाजार होते हुए जयस्तंभ चौराहा में वापस गायत्री मंदिर पहुंचकर समापन हुआ। रैली में बड़ी संख्या में गायत्री परिवार के लोग शामिल हुए और सभी ने जन सामान्य को नशा मुक्ति का संदेश देते हुए समाज और राष्ट्र के विकास में अपना अमूल्य योगदान देने का आग्रह किया है। नशा उन्मूलन अर्थात दशहरा में जो आश्रय प्रवृत्तियां उनको समाप्त किया जाता है। आश्रय प्रवृत्ति में सबसे खतरनाक आश्रय प्रवृत्ति इन दिनों है नशा। नशा पूरा घर बर्बाद कर रहा है, पत्नी बिक जाती है, बच्चे भूखे रहते हैं, अस्पताल में आदमी भरता ही भर्ती हो जाता है, गला कटता है और पछताता है। जब कुछ उसके सामने नहीं रहता, पूरा जीवन बर्बाद होता है, उसकी कोई इज्जत नहीं होती है और वो समाज को भी बर्बाद करता है, खुद को भी करता है, पेसमेकर के रूप में पड़ोसी के लिए भी समाप्त करता है और जो पीता है वो तो नाश होता ही है। ये बीड़ी, ये सत्यानाश है। बीड़ी पीकर खांस रहा है, मौत के आगे नाच रहा है। अगर मौत के आगे नाच रहा है, अगर कोई गुटखा खाएगा तो उसका गाल गलेगा, मुंह ज्यादा नहीं फटेगा, फिर धीरे धीरे उसके गाल में छेद होने लगेंगे, फिर गला खराब होने लगेगा, फिर कैंसर होने लगेगा। हमारा शांति कुंज ने सारे भारत में एक साथ आज केवल रावण नहीं मानना, रावण की प्रवृत्तियां समाप्त करने के लिए शराब, जुआ, मांस और उसी के साथ ये बहुत ज्यादा प्रचलन में जो गुटखा है, ये आज से बंद कराने का आह्वान किया जा रहा है। भारत का प्रत्येक व्यक्ति यदि इसे बंद कर देगा तो करोड़ों रुपए की आमदनी बचेगी। आज करोड़ों रुपए जो खर्च इसमें हो रहे हैं और उसके बाद अस्पताल में होते हैं, उसके बाद ठीक होने में होते हैं, तो समाज को ठीक करना है, राष्ट्र को ठीक करना है, तो राष्ट्र को एक साथ संकल्प लेना चाहिए, आज के बाद हम नशा नहीं करेंगे। आज गायत्री परिवार ने कहां से कहां रैली निकाली? आज गायत्री परिवार ने गायत्री शक्ति पीठ से हनुमान चौराहे होते हुए, बीच मार्केट से होते हुए, जयस्तंभ चौराहे होते हुए वापस आए। विश्व हिंदू
परिषद बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन कर निकाला जल समारोह। म्याना में आज विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा शस्त्र पूजन कर एक भव्य जल समारोह निकाला गया। यह जल समारोह म्याना के प्रमुख मार्गो से होते हुए हनुमान चौराहे पर हनुमान जी के मंदिर पर जाकर समापन हुआ। बता दें कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल द्वारा एक भव्य जल समारोह का आयोजन किया गया। सर्वप्रथम म्याना के प्राचीन शिव मंदिर में कार्यकर्ता एकत्रित हुए, जहां पर सभी ने अपने अपने शस्त्रों का पूजन किया। पूजन के बाद कार्यक्रम की शुरुआत हुई और गुना जिले के प्रभारी मंत्री सुरेश शर्मा सम्मिलित हुए। म्याना के कार्यकर्ताओं के साथ पूजन अर्चन किया गया। इसके बाद बजरंग दल द्वारा अखाड़े का आयोजन रखा गया, जिसमें बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी लोगों ने अखाड़े में करतब दिखाए, लोगों का मन मोहा। फिर जल समारोह प्रारंभ किया गया। चल समारोह म्याना के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। चल समारोह में जगह जगह ग्रामीण जनों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। जब चल समारोह नई सराय तिराहे पर पहुंचा तो पुनः अखाड़ा शुरू हुआ और कार्यकर्ता द्वारा करतब दिखाए गए। किसी ने तलवार चलाई तो किसी ने फरसा तो किसी ने लठ चलकर अखाड़े में भाग लिया। अंत में चल समारोह म्याना के हनुमान मंदिर पर पहुंचा, जिसके बाद सभी कार्यकर्ताओं को विभाग मंत्री सुरेश शर्मा का मार्गदर्शन मिला। इस मौके पर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता मौजूद रहे। म्याना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। 9 दिन आराधना करने के बाद माता रानी का भव्य विसर्जन, भक्तों ने दी भावभीनी विदाई। नवरात्रि के समापन के साथ ही माता रानी की प्रतिमाओं के विसर्जन का पवित्र सिलसिला भी शुरू हो गया है। नवमी के अगले दिन यानी दशहरे पर पूरे गुना जिले में भक्तों ने धूमधाम और श्रद्धा के साथ माता रानी को विदाई दी। विसर्जन की शुरुआत बीती शाम से ही हो गई थी, जो देर रात तक चलते रही। म्याना और म्याना के आसपास झांकियों प्रतिमाओं को विसर्जन के लिए लहरगाट सिंध नदी ले जाया गया। आज सुबह से ही विसर्जन का सिलसिला शुरू हो गया है। दिन भर भक्तों का आना जाना लगा रहा। श्रद्धालु ने माता की प्रतिमाओं को फूलों और भक्तिमय नारों से भावभीनी विदाई दी। विसर्जन के दौरान पूरे क्षेत्र में भक्ति का माहौल दिखाई दिया। भक्तों ने कहा कि माता रानी की विदाई एक भावुक पल होता है, लेकिन अगले वर्ष उनके पुनः आगमन की आशा के साथ ही विदाई दी जाती है। इस दौरान भक्तों की आंखों से आंसू की भावभीनी धार बह रही थी। म्याना से मोहन शर्मा की रिपोर्ट। NAS की कार्यशाला आयोजित की गई। राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के निर्देशानुसार परख राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण की तैयारी के क्रम में विकासखंड गुना स्तरीय उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन एकलव्य आदर्श विद्यालय गुना में आयोजित किया गया। इस कार्यशाला में समस्त शासकीय और अशासकीय शालाओं के प्रधानाचार्य ने सहभागिता की। स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग द्वारा संचालित यह सर्वेक्षण कार्यक्रम इस वर्ष देश भर में 792 जिलों के लगभग 50 लाख विद्यार्थियों की भागीदारी से संपन्न होगा। इस वर्ष सर्वेक्षण में 26 भाषाओं को सम्मिलित किया गया है। राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण NAS भारत में हर 3 वर्ष में आयोजित एक व्यापक शैक्षिक मूल्यांकन प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य शिक्षा प्रणाली की दक्षता सूचकांक के रूप में बच्चों की प्रगति और अधिकतम क्षमता का मूल्यांकन करना है, ताकि विभिन्न स्तरों पर सुधारात्मक कार्यों के लिए समुचित कदम उठाए जा सके। कार्यशाला डाइट गुना NAS प्रभारी विषय विशेषज्ञ के कुशल मार्गदर्शन में संपन्न हुई, जिसमें चैटबोट और शिक्षा का अधिकार विषय पर जानकारी प्रस्तुत की गई। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी श्री CS सिसोदिया, जिला परियोजना समन्वयक श्री RK शर्मा, डाइट प्राचार्य श्री SK वरिष्ठ सहायक संचालक सुश्री प्रेरणा गुप्ता, प्राचार्य आसिफ खान, APC श्री लखन परिहार और BRC श्री अशोक जोशी ने विशेष रूप से उपस्थित रहकर कार्यशाला के महत्व पर प्रकाश डाला।